डिरेका खेलकूद संघ द्वारा शनिवार को 2 दिवसीय बास्केटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डिरेका के ज्वाइंट सेक्रेटरी रवि नारायण सिंह रहे। उन्होंने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में हाफ कोर्ट तक खेलना था तथा एक टीम से एक साथ 3 खिलाड़ी कोर्ट में खेल सकते थे। प्रतियोगिता का पहला मैच डालिम्स तथा डिरेका के टीम के बीच हुआ, जिसमें डालिम्स की टीम ने जीत दर्ज की। इस अवसर पर अहमद शकील, आलोक सिंह, एल आलोक, एल के बिस्वाल इत्यादि लोग उपस्थित रहे। आज 18 और 19 तारीख को 3x3 बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन बास्केटबॉल ग्राउंड डीएलडब्ल्यू में किया गया। तो सर, ये आज प्रोग्राम ये कराकर क्या आप बताना चाहते हैं? हमारे यहाँ ये एक माह का ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण सिविल बास्केटबॉल का चला था, जिसमें बच्चों ने प्रशिक्षण लिया था। उसके प्रशिक्षण के उपरांत एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों के जो उन्होंने सीखा है उसके कौशल का भी जांच हो सकता है और आगे उनको प्रतियोगिता में आगे बढ़ सके, खेल में आगे बढ़ सके, उसके लिए उनको प्रेरणा मिल सके। ये 3x3 बास्केटबॉल है, इसमें हाफ कोर्ट के अंदर ही 3-3 प्लेयर खेलते हैं, 4 प्लेयर की इसमें टीम होती है, जो दाएं तरफ हमारा कोर्ट 1, दाएं तरफ कोर्ट 2 है। ये एक इसका बाद वो मैच होगा, बनाया गया है जिससे कि पहला मैच है बुल्स खिलाफ वन ऑन वन की सिचुएशन में, सेकंड मैच है आईआईटी 1 वर्सेस काशी वॉरियर्स का एक नया कांसेप्ट लाया गया बास्केटबॉल में, और ये इंटरनेशनल लेवल पर खेला जाता है, ना कि सिर्फ ये इंडिया में या ऐसे ही खेला जा रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर इसको लाया गया, ये चल रहा है। इसको कराने में हमारे संस्थान के सचिव आलोक सिंह और बास्केटबॉल असिस्टेंट कोच एल के बिस्वाल और उनके साथ जुड़े हुए तमाम लोग हैं जो कि इस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बनारस में, और अगर इसमें अच्छी सफलता मिली, जैसा कि लग रहा है काफ़ी टीमें आई हुई हैं, 25-30 टीमें इसमें हैं, अच्छा रहा, सफल रहा, तो आगे भी इसको अच्छे लेवल पर करने की कोशिश करेंगे और हो सकता है कि आगामी वर्ष में स्टेट लेवल के चैंपियनशिप भी हम कराएंगे। ये पहला 3x3 डीरे का चैलेंज को हम लोग यहाँ पर आयोजन कर रहे हैं, ताकि बच्चों को हम लोग बास्केटबॉल को कुछ हमने बास्केटबॉल के प्रति उनको कुछ दे पाए, गेट को गेम को हम बास्केटबॉल गेम को प्रमोट करके आगे बढ़ाए। और इसमें हमारा जो मेरा वरिष्ठ है शकील भाई सर है, जो मेरे कोच है, उन्होंने काफ़ी सहयोग किया, सभी ने काफ़ी सहयोग किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह खेल हम इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ इवेंट हर साल करते रहेंगे।